चलिए तो आज हम फिर जीते हैं वो स्कूल वाले दिन। जब हम स्कूल जाते थे ना फ्रेंड, तो हरी हरी जो पत्तल होती है उसमें हमें इस तरह का इडली मिलती थी और खाने में इतनी स्वादिष्ट होती थी। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज गुड मॉर्निंग, अभी मैं सुबह सुबह नहा धोवा के आ गई हूँ अपने किचन में। अब मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ते में इडली और आलू की सब्जी। हम जब स्कूल जाते थे ना दोस्तों, तो वहाँ आलू की सब्जी मिलती थी। हम सांभर से तो इडली सभी खाते हैं, पर आलू की सब्जी से इडली खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। चलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैं इडली किस तरीके से बनाती हूँ। देख लीजिए, मैंने आलू का सब्जी बना लिया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब बनाते हैं। इस चावल को मैंने 2 घंटे भीगने के लिए छोड़ दिया था, और जब ये अच्छी तरह फूल गई तो मैं इसे पीस के अच्छी तरह से रात भर के लिए मैंने इन चावलों को ढक दिया था ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। अब देखिए, सुबह में मैं चेक करती हूँ, ये देखिए मेरे चावल अच्छी तरह फूल चुके हैं। देखिए कितने बबल्स आ गए हैं इसमें, मतलब ये इडली के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ी सी नमक और खाने वाली सोडा डालती हूँ और अच्छे से इसे फेंट लेती हूँ। इसका मेन पॉइंट है यही फ्रेंड, इसको आप अच्छे से फेंट लें ताकि फुली फुली इडली तैयार हो। देखिए हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसे स्टैंड लगा के इसमें इडली बैटर को डालती हूँ। कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब मैं इसे ढक के कम 10 मिनट तक पकाती हूँ। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं चेक करती हूँ। देख सकती हैं चावल पूरी तरह क्लीन है, इसके अंदर जा रही है तो बिल्कुल क्लीन निकल रही है। इसका मतलब है हमारी इडली पक चुकी है। अब मैं इसे बाहर निकाल ली हूँ। देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, खिले खिले इडली बने हैं। ये इडली काफ़ी हेल्दी होते हैं, इसमें तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये बच्चे बूढ़े सभी लोगों को ये बहुत पसंद आती है। तो सप्ताह में कम से कम एक बार बना ही लेती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर बताएं। ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रही ये चटनी है, इससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है। किस किस ने इस तरह स्कूल लाइफ में इडली खाए हैं मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।